तो हेलो सर, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूं, तो आज एक टॉपिक है, जैसा कि आप सब ने देखा होगा, टर्टल पॉन्ड का मैंने वीडियो बनाया था और बहुत दिन से अपडेट दे रहा था मैं, तो दो तीन महीने टेम्प्रोरी जो है उसको मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन आज जाकर पूरा कंप्लीट हो चुका है। टर्टल पॉन्ड का सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, उसका छत वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह टर्टल पॉन्ड का नज़ारा है अंदर से और बाहर से, सारा इंटीरियर और आउटडोर जो भी है इसका आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है और शायद पहली बार मैं टेरेस पॉन्ड इस तरह बनाया हूं। बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे चैनल के अंदर और मेरे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं मेरे चैनल के, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट वाला यही प्रोजेक्ट है और बहुत ही खुशी से मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छा लगा बनाने के बाद। आपको वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और दिखाऊँगा। चले दिखाता हूँ। तो देखिए, टर्टल पॉन्ड तैयार हो चुका है, इसकी छत भी मैंने बना ली है जिसे बारिश या वगैरह कुछ ना सके। और यहाँ पर उसका अतराफ से मैंने उसको जाली बना दिया है और यहाँ पर गेट भी है ताकि हम लोग फ्यूचर में यहाँ पर लॉक कर देते हैं, उसके बाद में कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का नज़ारा है अंदर से। तो ये तो पहले आप देख चुके हैं यहाँ पर जो भी सेटअप था। तो टर्टल्स यहाँ पर देखिए बैठने के लिए बास्किंग एरिया है और उसके लिए मिट्टी वगैरह है अंडे ले करने के लिए, और हेडिंग प्लेस भी है। हेडिंग प्लेस में शायद एक टर्टल ऑलरेडी जाकर बैठा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्टल ऑलरेडी जाकर बैठा हुआ अंदर। तो चार टर्टल्स हैं मेरे पास, तकरीबन 3 साल के हो चुके हैं। मैंने कोलकाता से मंगवाया था 3 टर्टल्स, तो वो वाले यहाँ पर 3 साल का एज है उसका, मैंने मंगवा कर 3 साल हो चुके हैं। और ये जो येलो बेली से टर्टल्स, ये 2 साल के कुछ हो रहे हैं ये वाले, और वाला वो फीमेल है, इसमें एक मेल है ये वाला, और बाकी 3 मेरे पास फीमेल है, ये भी फीमेल है और उसके अंदर जो छुपी हुई है वो भी फीमेल है। तो कंप्लीट सेटअप है इनके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने डेकोरेशन भी थोड़ा कर दिया है और यहाँ पर गैप इसलिए छोड़ा मैंने, फ्यूचर में यहाँ पर एक हैंगिंग लाइव प्लांट डालूंगा। अभी तो टेम्प्रोरी मैंने फेक प्लांट डाला हुआ है, लाइव प्लांट डालूंगा जिसका तरफ का जो है छाँव यहाँ पर, जिसे हम बेल कहते हैं, अब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं परफेक्ट वर्ड को, इस तरह की बेल आएगी, पूरा जो है मनी प्लांट्स की तरह पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर बारिश के लिए हमने ऊपर छत बनाया, ट्रांसपेरेंट छत, ताकि ये यूवी लाइट इंडायरेक्टली मिले। पूरा वाइट नहीं है बल्कि मिल्की वाइट है, जिसे फिल्टर होकर डायरेक्ट सनलाइट इंडायरेक्ट होकर मिलेगा। और साइड में हमने यहाँ पर हवा की वजह से हवा ज़्यादा ना लगे इसके से प्लास्टिक की जाली भी लगाई है। अभी इसको लॉक कर देंगे और ऑक्सीजन के लिए हमने प्लांट लगा दिए, 4-5 प्लांट्स, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये पानी जो है तकरीबन 80 लीटर का पानी यहाँ पर पकड़ता है, मतलब 20 गैलन का। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग प्लेस भी हैं 2, काफ़ी बड़े हेडिंग प्लेस हैं। और अभी मट्टी भी रखी है ताकि अगर अंडे ले करना चाहे तो अंडे ले कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पानी के अंदर मिट्टी आती रहेगी, तो ये कॉमन है। अगर आप हम सोचें एक थिंकिंग नेचुरल थिंकिंग, जब ये नेचुरल में रहते हैं तो वहाँ पर मिट्टी में पानी में कूदते हैं खेलते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको नेचुरल थिंग मिलेगी। हम लोग घर में रखते हैं, बहुत क्लीन रखते हैं, लेकिन अभी इनको थोड़ा बहुत नेचुरल की जो है आदत डालना चाहिए इनको बड़े होते होते, इसलिए मैंने इस तरह का सेटअप बनाया ताकि ये नेचुरल की इनको आदत पड़ जाए। तो ये आपको कैसा लगा, यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर मैं एक चेंजेस किया है। पहले छोटी थी ये दीवार, यहाँ पर कूद कर आ रहे थे, अभी इसको मैंने हाइट कर दिया, अभी यहाँ पर ये ऊपर आ नहीं पाएंगे। पानी क्लीन करने का बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे किस तरह फिल्टर सिस्टम है इसका, देखिए कितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम इसको इस्तेमाल कर लो, पानी क्लीन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पी करते हैं साथ में टर्टल पोटी करने के साथ साथ, जिसकी वजह से पानी गंदा रहता ही है। इसलिए हमने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया है, अगर इस पाइप को वाल को खोलते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाएगा, फिर नया पानी डालेंगे। हर 3 दिन में हम पानी, 4 दिन में एक बार चेंज करते रहेंगे सारा का पानी का। पानी खरीब में ही है, यहाँ पर टैंक ही है, तो 2 मिनट का काम है, चेंज करते रहेंगे डालते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टर्टल पॉन्ड तैयार हो चुका है, मैं अंदर भी यहाँ पर खड़ सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं अंदर भी चला जाऊँ तो मुझे छत जो है आराम से नहीं लगेगी, मेरे से हाइट है, तो मैंने मेरे से भी हाइट बनाया है ताकि यहाँ पर कोई बंदा अंदर जाकर रुक के खड़े तो हो सकता है। और फ्यूचर में हम चाहे तो यहाँ पर एक तो जो है क्रॉस लकड़ी लगाकर या कोई भी हाइडिंग प्लेस लगाकर, ब्रीडिंग नेट लगाकर अंदर भी चाहे तो एक दो बर्जीज भी रख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर फिश पॉन्ड भी तैयार हो रहा है, अभी इसका थोड़ा पेंटिंग का काम चल रहा है, ये भी धीरे धीरे काम हो जाएगा। इसके लिए भी हमने फिश पॉन्ड के लिए यहाँ पर, ताकि फिशेस बाहर जम ना कर सके, अभी यहाँ पर थोड़ी प्लास्टिक की शीट लगाई, यहाँ पर भी लगाएंगे शीट और यहाँ पर गेट्स आएंगे, और पूरा तैयार है, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग बाकी है। और यहाँ पर सम फिल्टर मैंने बना दिया, यहाँ पर सम फिल्टर बना दूंगा, यहाँ पर फिल्टर फिट करके स्पॉन्ज सब ऐड कर दूंगा, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर आएगा, मोटर उठाकर अंदर डालेगी,
थोड़ा बहुत अभी डेकोरेशन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एट ए टाइम पूरा इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। तो दूर से मैं दिखाता हूँ आपको पेट्रोल पंप का। तो ये कम्प्लीटली घर की छत की तरह ही लग रहा है। यहाँ पर खुला छोड़ा हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पर भी बंद कर देंगे तो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी हवा खेलने की वजह से, या ओपन नहीं रहेगा, तो इसलिए हम बंद किए हैं। आप बताओ अगर सजेस्ट करो, यहाँ पर भी अगर आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी लगाना सही है तो वो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक बार लॉक करके बंद कर देंगे तो फिर खोलने की ज़रूरत नहीं, फूड ऐसा ही डाल सकते हम यहाँ से पानी के अंदर जो पैलेट्स होते हैं। और एक बार आपको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जितना भी दिखाओ कम लग रहा है मुझे। पानी भी है और क्लीन भी है, नीचे 80 लीटर का टैंक है। और इसका साइज़ में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, इसका साइज़ जो है चौड़ाई इसकी 4 फीट है, 4.5 फीट है, और ऐसी जो है लंबाई 5 फीट, मतलब 5 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, तो 5 फीट और 4.5 फीट की टैंक है, तो काफ़ी साइज़ है। और बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बास्केट एरिया बड़ा बना दिया, तो भाई 4 टर्टल्स हैं, एक नहीं, वो भी मैं आपको कहता हूँ 4 टर्टल्स हैं, एक नहीं है, 4 टर्टल्स के लिए इतना ज़्यादा चाहिए ये। अगर एक टर्टल की बात करें थोड़ा बहुत काफ़ी था, लेकिन 4 टर्टल्स बड़े बड़े टर्टल्स हैं, जो 4 टर्टल्स अगर 4 टर्टल्स भी आकर एक बार यहाँ पर बैठ जाएँ तो ये भी शायद फिलअप हो जाएगी, इसलिए उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करके बनाया। और पानी का आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जगह छोटी है, तो मैं कहूँगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पहले वाला जो था उससे तो बेटर है। देखिए टर्टल आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं।